क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का ये जो 2001 में 21 में एग्जाम होने वाला है और उसका जो रिड्यूस सिलेबस है उसके आधार पर एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, एक अनुमानित क्वेश्चन पेपर है, गैस क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जनरल इंस्ट्रक्शन जो CBSE का नया पैटर्न आया है कि जिस तरह से एग्जाम का उससे किस सेटअप हुआ है क्वेश्चन। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन पेपर जो है चार सेक्शन में ABCD मतलब 32 क्वेश्चन है। सेक्शन ए जो 1 से 16 तक है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको 1 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो 1 से 16 एक एक नंबर का है। 17 से 22 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो 3-3 नंबर का एक एक है। फिर 23 से लेकर 26 तक ये सोर्स बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है कि उसमें आपको ऑप्शंस भी हो। हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का है और हर क्वेश्चन में जो 4-4 क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का होगा, उसका सब पॉइंट्स होगा, सब क्वेश्चंस होगा, तो उसमें एक एक नंबर का। तो उसमें हो सकता है कि उसमें कुछ आपको माने कि जो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं दिया ताकि आप सीख सकें। उसके बाद देखिए 27 से 31 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर का है। उसके बाद जाके जो सेक्शन ई है वो है क्वेश्चन नंबर 32 जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है, वो 5 मार्क्स का है, और वो जो हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और उसके बाद जाके जो आपका है जो मैप क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है, जिसमें एक है दो नंबर का हिस्ट्री का आएगा और 3 नंबर का ज्योग्राफी का आएगा। अब यहाँ पर जो आप सबसे पहले इसका आंसर समझने की कोशिश करिए, आपको जो जो चैप्टर सिलेबस में है, रिवाइज सिलेबस है, ऑलरेडी अपलोडेड है इसमें वीडियो में, अगर आपको नहीं पता होगा तो उसमें आप हमको क्वेरी कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस है, जो ऑप्शंस है, आप अपना आंसर लिखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आंसर नहीं आता तो जैसे नेक्स्ट वीडियो जो है अगला, इसमें लिंक डाल दिया जाएगा, 1 दिन बाद अपलोड होगा, उसको सारा को आप आंसर करिए। तो पहला क्वेश्चन है द थर्ड स्टेट कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसे ये फ्रेंच रिवोल्यूशन क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस है, आप इसमें से दीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि द नेम एसोसिएट विद द अप्रिल थेसिस इज, किससे है, 4 ऑप्शंस है, इसको समझने की कोशिश करिए। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजेंट पास थ्रू, तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप एक एक को मैं स्लाइड्स कर रहा हूँ, आप इसको आंसर लिखते जाइए, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप इसको क्यूरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं स्लाइड कर रहा हूँ, 1 से 16 तक जो एक एक नंबर का, याद रखिएगा आपको आंसर लिखना है। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ क्वेश्चंस, अगर आप नहीं लिख पा रहे होंगे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आंसर जब लिख लेंगे, 3 घंटा का टाइम है, 15 मिनट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद जाके 3 घंटा में आंसर लिखने के बाद फिर आप मैच कर सकते हैं। तो ये 16 क्वेश्चन तक जो है ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ तक जो है 16 तक, उसको 3-3 नंबर का आ जाएगा। 3-3 नंबर में आपको करना है मैक्सिमम वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ड जाना है, उससे आपका कम हो सकता है। बुक का आंसर लिखिए, अपने से उसको नहीं लिखना है, क्योंकि CBSE जो है एक मार्किंग स्कीम देती है जिसमें बुक का ही आंसर दिया होता है, उसी से पॉइंट बनाया जाता है। तो इसको आप करने की कोशिश करिए। 16 से 22 तक, और ये सारा जो रिड्यूस सिलेबस है जो अभी का लेटेस्ट है, जो मार्च में एग्जाम होना है, उसके बेस पर एक क्वेश्चन बनाया गया है। कोई क्वेश्चंस डाउट हो तो इसका मार्किंग स्कीम कल अपलोड कर दिया जाएगा, और इसमें लिंक भी डाल दिया जाएगा नीचे में। फिर 23 से जो है ये सोर्स है, ये अभी CBSE का जो पिछले साल से इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसको अब 4 सोर्स होगा, हर मने जैसे हिस्ट्री से 1 सोर्स आएगा, फिर सिविक्स से आएगा जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, फिर जाके आपको ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी है, उसका बुक का नाम है ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स से एक एक होए। तो ये पहला इकोनॉमिक्स से है, इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद यहाँ जो 4 क्वेश्चन दिख रही है, इसका ऑप्शंस भी हो सकता है, जो स्कूल पर डिपेंड, स्कूल क्या करती है उसका ऑप्शन देता नहीं देता, इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है। इसको पढ़िए अच्छा से। फिर 24 क्वेश्चंस में आते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, 24 भी दिखेगा। ये जो है सिविक्स से है,
ऊपर करते जा रहे हैं, आप देखते जाए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें भी वही ऑप्शंस हो सकता है, मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैंने इसमें मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। फिर 25 क्वेश्चंस हैं, ये जो है ज्योग्राफी से है। ये जो ए है इसका तीन दिए हैं, तीन फिल इन दी ब्लैंक्स है, तीन नंबर का है और ये एक नंबर का, इसको ध्यान देना आपको। फिर ये जो हिस्ट्री का सोर्स है, फिर इसका जो क्वेश्चंस है, फिर 27 से जो क्वेश्चन है पाँचवा नंबर का है आपका, इसका आंसर जो है 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डो नॉट एक्सीड्स दिया होगा, आप देखेंगे ऊपर का जब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। थर्टी वन तक पाँचवा नंबर का है, क्वेश्चंस लिख के इसका आंसर आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए फिर आंसर लिख लीजिए, तब जाके आप आंसर देखिएगा। 32 है जो इसमें फीचर्स आर मार्क्ड बाय द नंबर इन द गिवन ऑफ आउटलाइन मैप ऑफ मार्स, ये फ्रांस, फ्रांस का नीचे दिया हुआ है, और दीज फीचर्स जो दो टो है कि द रीजन नॉट अफेक्टेड बाई द ग्रेट फियर, ग्रेट फियर कौन सा रीजन अफेक्टेड नहीं था, द प्लेस वेयर नेपोलियन बोनापार्ट वॉज फाइनली डिफीटेड इन 1815, उसको समझना है। फिर जो ये नीचे दिया हुआ है कि लोकेट एंड लेबल द फ्लोइंग आइटम ऑन द गिवन मैप, जो मैप है उसी में दिखाना है, उत्तराखंड जो आपका इंडिया मैप है उसमें आप देखिएगा उत्तराखंड कहाँ है, और ये जो है कैपिटल ऑफ आसाम का क्या है, ये कैपिटल जो है उत्तराखंड का और आसाम का क्या है, उसको ये असम हो गया है, एक्चुअली ASAM होगा, आसाम होगा, ये मैप है, हिस्ट्री का मैप है, उसको इंडिया मैप में आप सर्च करिएगा तो इसके यहाँ पर जो यहाँ पर आपको ये जो यूरोप मैप है इसमें दिखाना है, फ्रांस का मैप है इसमें कहाँ पर वो जो नहीं अफेक्टेड था उसको करना है। इस तरह से क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू।